स्मॉल स्टॉक, एक स्टॉक जिससे कि फ्लावर कनेक्टेड है, मतलब एक डंडी जिससे कि फ्लावर कनेक्टेड है, उसको बोला जाता है पेडिसेल। वो पेडिसेल से फिर ऊपर ये वाला पार्ट आता है, इसको बोला जाता है रिसेप्टिकल और थैलमस। तो याद कैसे करना है, थैलमस, और इसको याद करना है पेडिसेल, CEL। तो ज्यादातर लोग पेडिकल बोलते हैं जो कि गलत है, पेडिसेल होना चाहिए। फिर अगला पार्ट आ गया जो हमने अभी डिस्कस करा था, सेपल्स, जो ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। उसके बाद अगर हम और आगे जाएं तो ये वाला पार्ट आ जाता है जिसको बोला जाता है ओवरी। इस ओवरी के अंदर छोटे छोटे जो एग्स टाइप स्ट्रक्चर्स हैं वो होते हैं ओव्यूल्स। ओव्यूल से ऊपर ये आ जाता है स्टाइल, ये आ जाता है स्टिग्मा, और इस सबको कंबाइंड बोला जाता है कार्पल। ठीक है, फिर उससे और बाहर आओ तो ये आ गया हमारा ये वाला पार्ट, इसको बोला जाता है, ये जो स्टिक्स हैं इसको बोला जाता है स्टॉक लाइक फिलामेंट्स। स्ट्रक्चर्स। हाँ, इसको बोला जाता है फिलामेंट्स। फिलामेंट्स के ऊपर ये जो दो पार्टीशन में एक पार्ट गोल बना के स्मॉल पार्टीशन बनानी है बीच में, इसको बोला जाता है एंथर्स, और उसके बाहर होती हैं पेटल्स। तो अगर आप पेटल्स रिमूव करोगे आपको धीरे धीरे पहले क्या नजर आएगा, एंथर्स एंड फिलामेंट, और रिमूव करोगे फिर आपको ये स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स जो बिल्कुल छोटे 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 दाने होते हैं वो नजर आएंगे, अगर हम एक फ्लावर को रिमूव करना शुरू करेंगे तो। अ फ्लावर हैज़ फोर बेसिक पार्ट्स। सबसे पहले आ गया सेपल्स, मतलब उसके बाहर के पत्ते टाइप स्ट्रक्चर। सो दीज आर स्मॉल ग्रीन कलर लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट वर्ल ऑफ द फ्लावर। कि फ्लावर के जो आउटर मोस्ट पार्ट में जो पत्ते की तरह स्ट्रक्चर्स हैं वो हैं सेपल्स। दे आर 5 to 6 इन नंबर्स। तो जनरली ये कितने होती हैं, 5-6 सेपल्स होते हैं हर एक बड के। फिर फंक्शन ऑफ सेपल्स क्या होते हैं, दे प्रोटेक्ट अ फ्लावर व्हेन इट इज एट इट्स बड स्टेज। तो इसका क्या काम है, प्रोटेक्ट करना जब तक कि बड खुल के पूरा फ्लावर नहीं बन जाती। फिर आ गई हमारी पेटल्स। दे आर ब्राइटली कलर्ड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इनर टू द सेपल्स। सेपल्स के अंदर क्या होती हैं, पेटल्स, एंड दे आर मैनी इन नंबर। हम इनका नंबर नहीं बता सकते, अलग अलग हो सकते हैं जितना मर्जी हो। फंक्शंस क्या है, टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं पेटल्स। फिर आ गया स्टेमन। स्टेमन हमने क्या पढ़ा था, ये होता है स्टेमन्स। व्हाट इज स्टेमन, स्टेमन इज इक्वल टू फिलामेंट प्लस एंथर। ठीक है, और एंथर्स, सो दिस इज एक्चुअली द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो एक फ्लावर में एक मेल पार्ट होता है और एक फीमेल पार्ट होता है, तभी ये फिर आगे रिप्रोडक्शन होती है। ठीक है, तो मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर क्या होएगा, एंथर्स एंड फिलामेंट। तो एंथर के ऊपर जो पाउडर पाउडर टाइप मटेरियल होता है उसको बोलते हैं पोलन ग्रेन्स या पोलन्स, और यही पोलन ग्रेन्स से होती है पॉलिनेशन। ठीक है, तो हमारे को वो पूछ रहे हैं व्हाट आर स्टेमन्स। सो दे आर द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द फ्लावर। दे फॉर्म द थर्ड वर्ल ऑफ द फ्लावर। दीज आर लॉन्ग थिन नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इनर टू द पेटल्स। तो सबसे पहले आया सेपल्स, सेपल्स के अंदर आया पेटल्स, पेटल्स के अंदर आया स्टेमन, और स्टेमन किससे बना, फिलामेंट प्लस एंथर, और एंथर के ऊपर क्या होते हैं, पाउडरी पाउडरी सा मटेरियल, पोलन ग्रेन्स या पोलन्स। ईच स्टेमन हैज़ टू पार्ट्स। अब हर स्टेमन में एंथर है और फिलामेंट है। एंथर क्या है, द टिप ऑफ ईच स्टेमन इज स्वोलन। देखो जो टिप है वो स्वोलन पार्ट है, ये थोड़ा स्वोलन सा पार्ट है, मतलब सूजा हुआ सा पार्ट है, एंड बिलोबेड। दे आर कॉल्ड एंथर लोब्स, एंड दीज एंथर लोब्स आर फुल ऑफ पाउडरी सब्सटेंस विच आर नोन एज पोलन्स और पोलन ग्रेन्स। फिर आ गया फिलामेंट। फिलामेंट क्या होते हैं, एंथर लोब्स आर जॉइंट टू द बेस ऑफ द फ्लावर। तो ये जो एंथर है, ये वाला जो हमारा एंथर के नीचे फिलामेंट है, ये फ्लावर के बेस से जॉइंट है, और ये बेस से किससे जॉइंट है, फिलामेंट से, विद द हेल्प ऑफ अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। तो स्टॉक मतलब डंडी की तरह, पतली पतली डंडी की तरह स्ट्रक्चर है, उसको बोला जाता है फिलामेंट। नाउ फंक्शंस ऑफ स्टेमन। इस स्टेमन के पूरे, मतलब एंथर प्लस फिलामेंट को स्टेमन बोला गया। तो इस स्टेमन का फंक्शन क्या है, प्रोड्यूस द मेल गैमेट्स एज पोलन्स विच आर नीडेड फॉर पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स। तो ये मेल गैमेट्स को, पोलन ग्रेन्स को पैदा करना है, मेल गैमेट्स मीन्स मेल ऑर्गन्स कुछ प्रोड्यूस करना, जिससे कि आगे क्या होगी, फ्लावर की पॉलिनेशन। ठीक है, मतलब फ्लावर की रिप्रोडक्शन। फिर आ गया हमारे पास नेक्स्ट पार्ट इज कार्पेल। नाउ व्हाट इज कार्पेल, इट इज अ फीमेल, फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो जो फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है इसको क्या बोला जाता है, कार्पेल भी बोलते हैं, पिस्टिल भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या क्या है, देखो सबसे पहले पेडिसल है, पेडिसल की यहाँ सेपल्स है और यहाँ पे थैलमस है। इसके अंदर हम ऊपर गए थे तो यहाँ ओवरी है, ओवरी के अंदर जो एग लाइक स्ट्रक्चर्स है वो ओव्यूल्स है, फिर ये स्टाइल है, और फिर ये स्टिग्मा। वो तो ऐसे ही दिया हुआ है, वो तो आपने डायग्राम दिया हुआ है, वो तो दोनों में ही होगा ना, बट वो ये दिखा रहे हैं कि जो फीमेल पार्ट है उसके अंदर मेन क्या क्या होगा, सबसे ऊपर स्टिग्मा होगा, स्टाइल होगा, ओवरी है, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होंगे। दीज आर ऑल द फीमेल पार्ट्स। तो कार्पल क्या बताया उन्होंने, इट इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। इट फॉर्म्स द इनर मोस्ट होल ऑफ द फ्लावर। तो सबसे अंदर बैठी है फीमेल ऑर्गन। ईच कार्पल इज अ फ्लास्क शेप्ड ऑर्गन एंड हैज 3 पार्ट्स। तो कार्पल देखो, ये पूरा कार्पल आप देखोगे तो हमारे को किसकी तरह लग रहा है, फ्लास्क की तरह, और इसमें 3 पार्ट्स हैं, स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी।
तो सबसे पहला आ गया टॉप मोस्ट पार्ट, अपर पोस्ट पार्ट इज स्मॉल बिलो बिट स्टिकी पार्ट ऑफ द कार्पल विच ट्रैप्स द पोलन ग्रेन्स ड्यूरिंग पॉलिनेशन। तो देखो क्या होता है, ये जो एंथर लोब्स हैं, इन एंथर लोब्स पे क्या पैदा हुए, पोलन ग्रेन्स। वो पोलन ग्रेन्स आके कहाँ चिपकेंगे, स्टिग्मा पे। तो इसीलिए स्टिग्मा को बोला गया है कि ये है स्टिकी पार्ट ऑफ द कार्पेल जो ट्रैप कर लेता है पोलन ग्रेन्स को। पोलन ग्रेन्स कहाँ से गिर रहे हैं, एंथर लोब्स में से, ठीक है। देन आ गया स्टाइल, इट इज़ अ लॉन्ग थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच अलाउज पोलन ग्रेन्स टू पास थ्रू देम। अब पोलन ग्रेन्स यहाँ पे चिपक जाएंगे, वो इस थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से नीचे पास ऑन होंगे और कहाँ पहुँचेंगे, ओवरी में। तो ये थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसको बोला जाता है स्टाइल। देन कहाँ पहुँचेंगे, वो ओवरी में। इट इज़ अ स्वोलन पार्ट ऑफ द कार्पेल, तो कार्पेल का स्वोलन पार्ट कौन सा है, ओवरी, इन विच देर आर अ नंबर ऑफ एग लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर नोन एज ओव्यूल्स। आफ्टर पॉलिनेशन द ओवरी कन्वर्ट्स इनटू अ फ्रूट एंड ओव्यूल्स इनटू सीड्स। तो जब ऊपर से वो पोलन ग्रेन्स गिरे, यहाँ पे चिपके, यहाँ से चिपक के नीचे आए, ओवरी तक पहुँचे, यहाँ पे रिप्रोडक्शन होएगी, तो हमारी ओवरी किस में चेंज हो जाएगी, ओवरी का बन जाएगा फ्रूट एंड ओव्यूल्स जो छोटे छोटे एग्स हैं वो क्या बन जाएंगे, सीड्स। क्लियर है ये बात। तो इससे ये हमको बता रहा है कि पहले तो फ्लावर का स्ट्रक्चर, फिर फ्लावर जब गिरता है तो हम कहते हैं फ्लावर के पेटल्स गिर जाते हैं और फ्रूट पैदा हो जाता है। तो ये फ्रूट इस रीजन से पैदा होता है कि पोलन ग्रेन्स जो है वो इस पे स्टिग्मा पे चिपकते हैं, स्टिग्मा से चिपक के स्टाइल से नीचे आते हैं, ओवरी तक पहुंचते हैं, ओवरी तक जब वो पहुंच जाते हैं उसके बाद वहाँ पे फ्रूट पैदा शुरू हो जाता है और पेटल्स जो है वो गिरते जाते हैं और फिर जैसे जैसे फ्रूट बड़ा होता है उसके बीच में सीड्स पैदा हो जाते हैं। क्लियर है ये पार्ट। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कार्पल, कार्पल चेंजेस इनटू फ्रूट आफ्टर पॉलिनेशन। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि पूरा का पूरा कार्पल ही फ्रूट बन जाता है पॉलिनेशन के बाद। क्लियर है। आपको ये याद रखना है कि इसी कार्पल को पिस्टिल भी बोला गया। तो अगर हम अपने बुक में से देखें, बुक में भी वो यही बता रहे हैं। देखो सबसे इनर मोस्ट पार्ट अगर आपसे पूछा जाएगा, व्हिच इज द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर, आपसे पूछा जाएगा इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर क्या है, तो हमेशा फीमेल इनर मोस्ट पार्ट है, ठीक है। तो फीमेल पार्ट कौन सा है, कार्पल या पिस्टिल। अगर आपको नहीं दिखता फिर भी कंप्लीटली, तो वो कह रहे हैं रिमूव द स्टेमन्स, स्टेमन्स को रिमूव कर दो, और स्टेमन्स मतलब जो ये आपको दिखते हैं यहाँ पे, इनको रिमूव कर दो, उनके अंदर आपको पिस्टिल दिखेगा। नाउ अब उन्होंने फिर आपको बताया स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि ओवरी के अंदर एग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। देखो उन्होंने यहाँ पिस्टिल नाम दिया है, सबसे ऊपर स्टिग्मा, स्टाइल, देन ओवरी, ओवरी इज अ स्वोलन पार्ट ऑफ द पिस्टिल या कार्पल। फिर उसके बाद उन्होंने क्या बताया, वो एक्टिविटी करवाने की, आप यहाँ से कट कर दो, आप बीच में देखोगे तो आपको छोटे छोटे एग लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे, और आपने जब कट करना है बहुत ध्यान से करना है, पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर उसके ऊपर, ओवरी के ऊपर, तो आई थिंक ये आपको नहीं आएगा। देन द इनर पार्ट ऑफ द ओवरी, अब जब आपने देखो वो ये कह रहे हैं कि आप एक ये फ्लावर लो, उसके सब स्ट्रक्चर्स निकाल दो, बीच में आपको पिस्टल नजर आएगा, पिस्टल का ये जो है पार्ट स्टाइल इसको काट दो, तो ये ओवरी आ गया। ओवरी के अंदर आप ध्यान से वो कह रहे हैं, चाहे लेंस यूज करके देखो, मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करके देखो, तो आपको स्मॉल बीड्स लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे, वो होते हैं ओव्यूल्स, जिनको हम पहले बोल रहे थे स्मॉल एग लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। फिर उसके बाद दैट्स इट आई थिंक, हियर द चैप्टर इज ओवर, और उसके बाद हमने रिप्रोडक्शन सारी कर ली।